अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम फिर से हाज़िर हो चुके हैं आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज़ आज हम बनाने लगे हैं एक प्रिजन, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में यार पूरा देख चुके हैं कि यार मैंने क्या बनाया और कैसा बनाया। तो चलें करते हैं हम स्टार्ट। मैं यार आज एक प्रिजन बना रहा हूँ यानी कि जेल। तो मैंने यार मेरे दरअसल मैप में गाइज़ बहुत ज़्यादा यार चोर डाकू आ जाते हैं, घरों में जैसे लोग घुस जाते हैं। तो इसी के साथ मैंने सोचा यार हम क्यों ना यार बना लें आज एक प्रिजन और सारों को कैद कर दें। कैद थोड़ी नहीं किया हमने अभी, क्योंकि यार हमारे पास सबूत कोई नहीं थे। तो मैंने सोचा चले हम कर लेंगे। और ये अब मैं ये आप सोच रहे हैं इस टाइम ये क्या है, ये देखिए ये ऑटोमेटिक डोर बनाया मैंने, जो कि बटन प्रेस करने के साथ से डोर भी ओपन हो रहा है। तो अब हम इसके साइड पर ना यार वॉल क्रिएट कर लेंगे यार, ताकि हमारे प्रिजन का जो उनसे वॉल्स इनकेस मदद से हम ना सारी इसकी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ऑटोमेटिक डोर मैंने यार इसलिए बनाया है ताकि अंदर बाहर से अगर मैं किसी तरह भी इस लॉक भी करना चाहूँ ना तो मैं इसे वो भी कर सकता हूँ, पर उसका सेटअप मुझे अंदर को करना पड़ेगा यानी अंदर वाली साइड पर। तो मैं बाहर से भी डोर को अभी कवर कर दूँगा अच्छे से। और यहाँ पर मैंने वीडियो काफ़ी तेज़ कर दी यार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा लंबी होने लगी है आज। तो मैंने सोचा यार इतनी लंबी कोई भी वैसे भी देखते नहीं है वीडियो, तो मैंने इसलिए यार वीडियो मैंने काफ़ी लंबी कर दी, तेज़ कर दी यहाँ से। वैसे बाकी जो सी मेन चीज़ है वहाँ मैंने आप सब नॉर्मल स्पीड में दिए हैं। तो काफ़ी सारे जोम्बिस भी आ गए हैं, मैंने काफ़ी मारे भी हैं यार। देखिए इन्हीं की वजह से मुझे जेल बनानी पड़ रही है, मैंने इन्हीं सबक सभी लोगों को कैद कर देना है अपनी जेल के अंदर। देखिएगा आपको मैं दिखाऊंगा यार। तो मेरा ये बाउंड्रीज कंप्लीट हो चुकी है, जो साइड पर एक्स्ट्रा स्टोन थे मैंने उन्हें हटा दिया। अब यहाँ से मैं इसे अंदर से कवर कर रहा हूँ यार, ताकि क्योंकि यार चीज़ प्यारे भी लगनी चाहिए जो हमने बनाई है ना। तो इसी के साथ अब यहाँ पर हमने अंडर सेटअप करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अंदर भी एक कुछ सेटअप करेंगे ताकि जिससे हम लॉक कर सकें ना, तो ताकि यार हम अंदर से भी इसे लॉक कर दें ताकि कोई खोल ना सके, जैसे कोई चोर है ना भाग ना सके। यहाँ पर हम बार लगा लेते हैं ताकि हवा ऑक्सीजन की कमी ना हो यार इन लोगों को, ये लोग ये ना कहें यार कि हमारे साथ ये लोग जुल्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जहाँ मैं ये बाउंड्रीज इसकी कर रहा हूँ ना यार विंडो के लिए, यहाँ पर हम रूम बनाएंगे। ठीक है, तो ये रूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक अच्छे से मुझे आसानी भी होगी, इससे आसानी इसलिए होगी मुझे पता होगा यार कि मैंने ना यार इतना रूम का साइज़ रखना है मैंने इतने, क्योंकि ऊपर विंडो बनाई हुई है इसके। और ये बार्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यार ये टूट नहीं सकती जल्दी, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो वैसे भी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में तो यार कुछ भी नहीं होता, ट्राई करने से सब कुछ होता है। तो अब मैं बार्स मेरी लगभग लग चुकी हैं, लास्ट टाइम लग रही हैं अभी भी ऐसे काफ़ी लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लुक वाइज क्या यार, जेल तो जेल जैसी ही बनती है। तो ये मैं इससे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, मैं छत लगा रहा हूँ, छत मैंने अब लगानी नहीं यार दरअसल, वो अभी मैं छत रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पर अब लगा लेते हैं हम यार ये क्या कहते हैं इन्हें, केज कह लें, जाले कह लें, ये स्टील कोब होते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि कोई भी बंदा भाग रहा है ना यार, तो वो पहले अपने उसने टुकड़े टुकड़े करवाने पड़ेंगे, पता क्यों, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा यार नुकीले होते हैं। अब लगा लेते हैं हम यहाँ पर फायर आर्म, इससे ये होगा जी कि कोई भी अगर बंदा भागने की कोशिश करेगा पहले उसे आग से लड़ना पड़ेगा। और अलार्म भी बजेगा भाई, मैं सब सेटअप करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपसे बात की थी कि अंदर भी एक सेटअप करना है, वो ये सेटअप है। अब देखिएगा बाप, आप सोच रहे हैं अरे भाई देखिए, अब यहाँ पर अंदर भी बटन लगा लिया मैंने, और अब मैंने देखिए अब लीवर क्रॉस क्या बंद किया ना मैंने, तो वो समझ ही नहीं आ रही कि यार वो क्या करना है अब उसको वहाँ से अंदर से। तो इसी के साथ अब यहाँ से हमने खुदाई करनी है, खुदाई इसलिए करनी है यार क्योंकि यार मैंने नीचे जो उनका फर्श है उसको भी बदलना है। तो फर्श मैं काफ़ी सारा कर चुका हूँ मैं उसकी खुदाई, और अब मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर ये स्टोन, स्टील स्टोन। वैसे भी यार ये लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये एक रियल नेचुरल फर्श की तरह यार आप लोगों को शो करवाते हैं, और भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस टाइम तक तो मुझे। तो इसी के साथ अब हम आगे वाला काम शुरू करते हैं, बाहर से काफ़ी हद तक हो चुके हैं अब हमने। और ये देखें अब मैंने वो रूम लॉक किया, अब यहाँ से मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँगा ना ओपन नहीं होंगे। हम साइड पर भी बार क्रिएट कर लेते हैं ताकि यार बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाए, क्योंकि यार लोग तोड़ते हैं यार कुछ पता नहीं किसी का। तो देखें क्योंकि मैंने जैसा डोर बनाया ना, देखें गाइस आपको ज़रा भी पता नहीं लग रहा होगा कि यार वो डोर कैसा है। ठीक है, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह कवर कर दिया। और यहाँ पर हम लगाएंगे यार स्टील का स्टोन, और अब ये स्टोन की बात में यार दरअसल ये है कि ये किसी बटन वगैरह या फिर ये जो उनसे रेड स्टोन है इनके बगैर ये ओपन नहीं हो सकता है, इसको सेटअप करना पड़ता है पूरा। और ये सिक्योरिटी रूम बनाया है मैंने, और ये क्योंकि दरअसल वो नीचे वाले क्या नाम है दो डोर ना ओपन नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर इसको कर दिया, सेटअप किया बटन का,
और यहाँ पर डोर है ना जो ये डोर का सेटअप भी बटन के साथ ही करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वो देखिए अब आप देख अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, ये बहुत ज़्यादा दिमाग खपाई है यार, मैंने बहुत देर लगाकर घर बनाया यार ये। तो अब मैं बनाने लगा हूँ यार डोर, पहले मैं जहाँ जहाँ मेरी विंडो है उस लिहाज से मैंने कर लेता हूँ यार, ईंटें लगा लेता हूँ अपनी और उसके बाद मैं उनको शुरू करूँगा, क्योंकि यार दोनों तरफ रूम बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा ना ध्यान से मुझे करना पड़ रहा है। और मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो ये होगा कि यार मेरी तो उनसे विंडोज़ है ना तो ऑपोजिट साइड पर ना थोड़ी सी आगे पीछे हैं, तो इसलिए मेरे ना तो उनसे घर है ना यार वो थोड़े ना आगे पीछे हैं, तो वो चूँकि थोड़ा सा मसला हो गया था, ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से काम करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मसले वाली बात नहीं है वैसे ज़्यादा, बट फिर भी चले अब हम रूम बना रहे हैं तो ये क्योंकि यार ये मेन चीज़ है तो इसलिए मैंने इन्हें यार स्लो स्पीड में ही रखा हुआ है ताकि किसी को भी यार मुश्किल नहीं हो, आप लोगों को ध्यान से अच्छी तरह देखने समझ आ जाए। अरे भाई कहाँ पत्थर लगा रहा हूँ, अरे भाई मैंने कहाँ से पत्थर तोड़ दिया, अरे यार वो लीवर टूट जाएगा ना, लीवर मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा, नीचे भी मैंने लीवर लगाए हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, काफ़ी बार ना स्टोन इधर उधर लगते रहते हैं तो मसला काम ख़राब हो जाता है। ये वाला मुझे ना तोड़ ही देना चाहिए, पता क्यों यार मैं नीचे रेड स्टोन यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ मेरा लीवर भी है, तो इसलिए ना यार वहाँ पर फिर मेरा रेड स्टोन वाला सिस्टम ख़राब हो जाएगा और डोर नहीं ओपन होंगे मेरे, क्योंकि मैंने सब जगह स्टील स्टोन स्टील के ही जो उनसे डोर है ना वही यूज़ करने हैं ताकि कोई भी चोर भाग नहीं पाए यार, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से ही खुलेंगे, जब हम चाहेंगे सिर्फ तब ही खुलेंगे ये डोर। तो अभी आपको डोर का सेटअप भी मैं दिखाऊंगा कि यार डोर का सेटअप किस तरह करना है। यहाँ पर यार जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि यार रेड स्टोन जो सा रेड स्टोन डस्ट है ना और उसी के साथ जो सा पिस्टन है, पिस्टन और रेड स्टोन है और यहाँ पर रेड रिपीटर है जो सा, इसकी मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं यार इसकी मदद से, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए आपने आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने बाहर से पिस्टन और रेडस्टोन रिपीटर और रेड रिपीटर के ज़रिए मैंने डोर बनाया, ऑटोमेटिक डोर वो भी चेक वो क्या ना बटन को प्रेस करने से वो खुल रहा है, तो इसलिए आप इन्हीं के ज़रिए बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ का मतलब है भाई बहुत ज़्यादा कुछ आप बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ यार ईंटें लगा रहा हूँ वो भी बिल्कुल नेचुरल, जैसे कि घर बनते हैं ना यार रियल लाइफ में वैसे ही मैं ईंटें लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि मेरी यार जो सी प्रिजन है ना यार वो बहुत ज़्यादा कमाल की लगे। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं यार कवर, क्योंकि यार डोर भी तो लगाने हैं फिर मसला हो जाता है यार थोड़ा सा। अरे भाई ठीक है यहाँ पर हमने इसलिए लगा रहे हैं ताकि डोर की जो सा साइज़ है ना वो बराबर रहे हमारा, अब यहाँ पर दो डोर की जगह बनानी है तो इसलिए उन्हें बी आर साइड पर मुझे ना वो रेड स्टोन ये कोब एंड जन सर ये यूज़ करना पड़े। यहाँ पर हम लगा लेते हैं अब ग्लास, ग्लास इसलिए यार कि यार थोड़ा सा उनको बाहर का भी तो नज़ारा आना चाहिए ना यार बेचारों को, अब हम कैद कर रहे हैं यहाँ घर तो उन्हें तो बाहर का भी तो कुछ नज़र आए ना, तो अच्छा भी तो लगना चाहिए ना यार हमारी जेल, बात दरअसल सारी ये है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने काफ़ी कुछ कर लिया और ये सारे रूम मैंने रेडी करके आपको दिखाए हैं इसलिए ताकि यार ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, आगे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो जी अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं दरमियान में बार्स ताकि एक दूसरे से बातचीत चलो कर लें यार ठीक है, पर हाथ नहीं मिलाएं यार ये लोग, हाथ मिलाकर चाबियाँ बनाएंगे और यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, प्लान बनाएंगे, और इसीलिए मैंने सोचा यार क्यों इनको इतने ज़्यादा इन्हें ढीला नहीं छोड़ना हमने। अरे भाई लग नहीं रही यार मेरी बार्स, बार लगानी यार बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है मुझे यार, ये कभी कहीं लगती रहती कभी कहीं लगती रहती हैं, समझ नहीं आती। तो एक तो वैसे भी मैं मोबाइल पर वीडियोस बनाता हूँ तो इसीलिए, तो पीसी होना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम। अब आप ये देखिए बटन से सब कुछ ऑन हो रहा है, बटन से ही डोर ऑन होंगे ब्रदर, अंदर वाला मैंने सेटअप डोर का इसलिए नहीं किया क्योंकि यार वो भागने की कोशिश करेंगे फ़ायदा क्या यार हमारा। तो अब हम अंदर इनको बेड वगैरह लगा देते हैं ताकि किसी ने सोना है, कोई चेस्ट वगैरह अलमारियाँ बना देंगे हम इन्हें ताकि सब कुछ यार इजी हो जाए, ज़्यादा परेशान नहीं हो। विंडो वगैरह यार जैसे हम इन्हें खाना देंगे ना तो ये अंदर रख लें इसमें, और बात कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार चोर हैं यार फिर भी हमारे भाइयों जैसे हैं, ठीक है ख्याल करना पड़ता है यार क्या करूं। अब लगा लेते हैं यार यहाँ पर मैं ये पेंटिंग्स लगा रहा हूँ, पेंटिंग्स यार क्या मैं कहूँ अब जो भी हैं चले अब लगा तो रहे हैं। अब यहाँ पर भी विंडोज़ सेट कर लेते हैं, विंडोज़ लग चुकी हैं हमारी, इन्हें भी कर लेते हैं नीचे को डाउन, क्योंकि जब खाना देना यार सिर्फ इस उसमें यूज़ करेंगे। हर जगह मैंने वाइट बेड यूज़ किया है तो इसी के साथ, क्योंकि यार चोर है वो भी आपस में फिर लड़ेंगे यार कि तुम्हारा ऐसा है और तुम्हारा ऐसा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग इस तरह लड़ें। तो यहाँ पे भी सारा सेटअप कर रहा हूँ, शायद ये लास्ट रूम है इसलिए यार क्योंकि
अब यहाँ पर भी लगा चुके हैं हम। और जी डोर को, डोर का मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यार बाहर वाला मैंने सेटअप इसलिए नहीं किया क्योंकि यार वो लोग भागने की कोशिश करेंगे ना, हम बाहर से ही खोलेंगे, जब उनको बाहर निकालना हम उन्हें खोल कर बाहर निकालेंगे। तो जी अब यहाँ पर ये हमारे जी सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, तो ज़रा इसे जरा हैवी सा बनाएंगे हम, लशपश कर देंगे भाई जान का रूम। अब सिक्योरिटी गार्ड है यार बेचारा, रात सारी यहाँ पर बैठ के निगरानी करेगा तो वो परेशान हो जाएगा ना, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर भी हम कॉब यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई भी बंदा एक दूसरे, बात तो करो भाई, प्लान तो नहीं ना बनाओ भागने के। तो हम यहाँ पर भी ये यूज़ कर लेते हैं और एक साफ कॉब लग चुके हैं, मुझे लग रहा है सारे कॉब लग चुके हैं, नहीं भी लगे तो अभी लग जाएंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है कॉब लगाना। तो बस थोड़े दो तीन वॉल्स और रह गई हैं और ये मेरे कंप्लीट हो, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे यार ये ग्लास वॉल। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो गाइस मैं अब ये ग्लास वॉल लगा रहा हूँ, तब तक आप देखें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।